ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 3 श्लोक दस संख्या 10। काल माघध शाल्वादीन अनेकैरुन्धतः पुरम् अजी घनस् स्वयं दिव्यम् स्वपुंसां तेज आदिशत्। काल मागध शाल्वादीन अनेकैरुन्धतः पुरम् अजी घनत् स्वयं दिव्यम् स्वपुंसां तेज आदिशत्। काल मागध शाल्वादीन अनेकैरुन्धतः पुरम् अजी घनत् स्वयं दिव्यम् स्वपुंसां तेज आदिशत्। शब्दार्थ काल, काल यवन, सब जोर से बोला करो। मागध, मगध का राजा जरासंध, शाल, शाल्व राजा आदीन इत्यादि अनेकई सैनिकों से रुंधता घिरी हुई पुरम मथुरा नगर अजी घनत मार डाला स्वयं स्वयं दिव्यम दिव्य स्वपुंसा अपने ही लोगों को तेजा तेज आदिशत प्रकट किया। अनुवाद, कालयवन मगध के राजा तथा शाल्व ने मथुरा नगर पर आक्रमण किया, किंतु जब नगर उनके सैनिकों से पर घिर गई तो श्री भगवान ने अपने लोगों की अपने शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबों को स्वयं नहीं मारा। अर्चनी अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की। कंस की मृत्यु के बाद जब मथुरा नगर कालियवन जरासंध तथा शाल्व के सैनिकों द्वारा घेर ली गई तो श्री भगवान इस नगर से ऊपरी तौर पर भाग निकले और इस तरह वे रण छोड़ अर्थात वह जो युद्ध से भाग गए कहलाते हैं।
वस्तुतः तथ्य यह है कि श्री भगवान उन सबों को अपने जनों से अर्थात मुचुकुंद तथा भीम जैसे भक्तों से मरवाना चाहते थे। कालयवन तथा मगधराज का वध क्रमशः मुचुकुंद तथा भीम द्वारा किया गया, जिन्होंने श्री भगवान के प्रतिनिधि की भूमिका निभाई। ऐसे कार्यों द्वारा श्री भगवान अपने भक्तों के पराक्रम अर्थात तेज को प्रदर्शित कराना चाहते थे। मानो वे स्वयं उनसे युद्ध करने में असमर्थ हों, परंतु उनके भक्त उन लोगों का वध कर सकते थे। श्री भगवान का अपने भक्तों के साथ जो संबंध है वो अत्यंत सुखद है। वस्तुतः श्री भगवान संसार के अवांछित तत्वों का वध करने हेतु ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित हुए थे, किंतु यश का श्रेय विभाजित करने के उद्देश्य से उन्होंने कभी कभी यह श्रेय दिलाने हेतु अपने भक्तों को लगाया। कुरुक्षेत्र का युद्ध स्वयं श्री भगवान द्वारा नियोजित था, किंतु अपने भक्त अर्जुन को श्रेय देने हेतु निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन उन्होंने सारथी की भूमिका निभाई और अर्जुन को योद्धा की भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। इस तरह अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध के नायक बने। भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य योजनाओं द्वारा जो स्वयं करना चाहते हैं उसे भी अपने विश्वस्त भक्तों के माध्यम से संपन्न कराते हैं। अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति श्री भगवान की कृपा की यही रीति है। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतावनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागर जातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकृपां श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्दं श्री अद्वैत गदाधर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन भगवत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। देखो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं नामक ये शीर्षक है। हम लोग भगवान को वास्तविक रूप से समझ नहीं पाते कि भगवान तत्वतः किस प्रकार से कार्य करते हैं। उन कार्यों को भागवतम के माध्यम से
चलो सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं। इसी भागवत के माध्यम से भक्तों के कार्यों को भी समझाएंगे। वास्तव में भक्त कैसे होते हैं और वास्तव में भगवान कैसे हैं, ये परम गुह्य ज्ञान है। पहली बात तो ये समझ पाए हम कि शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हम कौन हैं ये बात समझना ये ज्ञान कहलाता है। ये समझना कि जितने भगवान से मिलने के रास्ते हैं उन रास्तों में सबसे श्रेष्ठ रास्ता है भगवान का भक्ति योग का पालन। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग आदि जो रास्ते हैं उनमें सबसे अच्छा मार्ग है भक्ति योग। ये गुह्यतर ज्ञान कहलाता है। गुह्यतम ज्ञान इसको कहते हैं कि भगवान और भगवान के भक्तों का संबंध क्या है, भगवान अपने भक्तों को लेकर के कैसा सोचते हैं और भगवान के भक्त भगवान को लेकर के कैसा सोचते हैं। भगवान अपने भक्तों को लेकर के कैसा सोचते हैं, यहाँ वर्णन आया स्वपुंसाम तेज आदिशत। पुंसाम मन स्व मने अपने, पुंसाम मने जनों का, अपने जनों का भगवान क्या चाहते हैं, तेज जो उनके भक्तों का तेज है आदिशत, उसे प्रकट करना चाहते हैं, संसार में दिखाना चाहते हैं। देखो मेरे भक्तों की ताकत क्या है, भगवान के बारे में यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य योजनाओं द्वारा जो कुछ स्वयं करना चाहते हैं उसे वे अपने विश्वस्त भक्तों के माध्यम से संपन्न कराते। कैसे भक्तों से? विश्वस्त भक्तों से संपन्न कराते। अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति श्री भगवान की कृपा की यही रीति है, ये कृपा की रीति है, इसको कृपा कहते हैं। अभी हम लोग भक्त नहीं बने तो हम लोग कृपा किसको कहते हैं? जैसे संसारी व्यक्ति कृपा किसको कहता है, बोले उसको अगर रोटी मिल जाए, दाल मिल जाए, कपड़े लत्ता मिल जाए, गाड़ी घोड़ा मिल जाए, मकान दुकान मिल जाए, एग्जाम में पास हो जाए, तो क्या सोचता है ये क्या होगी मेरे ऊपर? कृपा हो। और ये सब चीजें कुल मिलाकर के पैसे से मिल जाती है। इसलिए अगर पगार बढ़ जाए मतलब क्या हो गई? कृपा हो। या पगार का रास्ता खुल गया, नौकरी लग गई, मतलब कृपा हो। कोई सेठ आ गया मंदिर में, अब ये 4 पैसा दे के जाएगा, भगवान ने क्या कर दी? कृपा कर दी। मंदिर का काम चल रहा था, काम चलते चलते रुक गया, फिर अचानक से पैसा आ गया, मतलब भगवान ने क्या कर दी? कृपा कर। चाहे संसार का आसक्त व्यक्ति हो या संसार में हम विरक्त हो जाएं, हम कृपा किसको समझते हैं? मुख्य रूप से सब चीजें पैसे से प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए पैसे का रास्ता खुल जाए, पैसा आ जाए, और पैसा हमारे अकाउंट में आ जाए तो फिर तो कहना ही क्या। पैसा आ जाए मतलब क्या हो गई? ये कृपा तो भगवान कुत्ते बिल्ली गधा सुअर पशु पक्षी पेड़ पौधे अनंत जीवों पर करते। सारी सृष्टि अनंत जीवों से भरी हुई है, अजगर के ऊपर भी कृपा करते हैं, इतना विशालकाय होता है, हाथी के ऊपर भी कृपा करते हैं, उसको भी भोजन छाजन कपड़ा लत्ता ब्याह शादी सब भगवान करवा। कई बार तो इन लोगों के ऊपर हम मनुष्यों से भी ज्यादा कृपा देखी जाती है।
ऐसे ऐसे कुत्ते रहते हैं कि जिनको कारों में घूमते हुए देखा जाता है। हम लोग नीचे रोड पे खड़े होकर देख, अच्छा कुत्ता जा रहा है भाई। बात बार कुत्तों के ऊपर हमसे ज्यादा साबुन का खर्चा होता है। बढ़िया बढ़िया साबुन खर्चे कर मिलते हैं, हमसे ज्यादा बढ़िया उनकी यहाँ दुकानें रहती हैं। अभी तो देहरादून में कुत्तों के स्पा खुल गए सही जिसमें कुत्तों की मसाज की जाती है। यहाँ हम भक्तों को देखते रहते, कोई आके थोड़ा सर दबा दे, जिस दिन सिर दर्द रहता है उस दिन भी कोई नहीं आता, सब पास में से निकल जाते हैं। कोई आके थोड़ा दबा देता है तो बड़ी कृपा सुन, आज भगवान ने कृपा कर दी, ये कोई बड़ी बात नहीं, इसको कृपा शास्त्र नहीं मानता, ये कोई कृपा नहीं। उल्टा सुदामा जी तो भगवान के पास जानबूझ करके जाते नहीं थे कि हम जाएंगे तो कहीं वहां से पैसा धेला न मिल जाए, नहीं वहां पैसा धेला मिल। मान लो किसी के ऊपर भूत चढ़ गया हो, क्या चढ़ गया हो, भूत या भूतनी, जरूरी नहीं कि भूत ही चढ़े, तो स्त्री शरीर में चढ़ जाता है तो उसको भूतनी कहते। और वो मिठाई मांगे, क्या मांगे, मिठाई मांगे। अब जो जीव है, जो व्यक्ति है, उसका मिठाई में इंटरेस्ट नहीं है, मिठाई में इंटरेस्ट किसका है, भूत का है। भूत मिठाई मांगे और आपने उस व्यक्ति को मिठाई दे दी, तो मिठाई पाते ही कौन प्रसन्न होगा, भूत। भूत फिर उस व्यक्ति को छोड़ के जाएगा, नहीं। क्योंकि भूत को क्या मिल रहा है, मिठाई मिल रही है, जो भूत पसंद कर रहा है। भूत पसंद कर रहा है मेरे को मुर्गा दे दो, और आपने उसको क्या दे दिया, मुर्गा दे दिया, तो फिर भूत कैसा होगा, प्रसन्न होगा कि नहीं, प्रसन्न हो जाएगा। क्या वो व्यक्ति की भी डिमांड है मुर्गे की, व्यक्ति की तो डिमांड है नहीं। तो उस व्यक्ति के ऊपर अगर आपने उसे मांसाहार करा दिया है, उसको मिठाई दे दी, तो प्रसन्न कौन हो रहा है, भूत। फिर भूत उसे प्रसन्न होगा तो छोड़ के जाएगा या फिर वहीं पर रहेगा, वहीं रहेगा ना। जब वहीं रहेगा तो हमने उसको मिठाई दे करके या हमने उसको मुर्गा दे करके अच्छा किया या बुरा किया, तो उस आदमी के ऊपर मिठाई के द्वारा कृपा हुई या फिर शाप मिला, शाप। हमने कृपा कब कहेंगे, आदमी की इच्छा पूरी होगी तब कृपा कहेंगे या भूत की इच्छा पूरी होगी तब कृपा कहेंगे। हाँ, आदमी की इच्छा पूरी हो जाए तब कृपा कहेंगे ना, जो उसके ऊपर सवार है उस भूत के ऊपर इच्छा की पूर्ति करें तो कृपा है क्या, वो उस व्यक्ति के लिए क्या है, दंड है वो, कृपा थोड़ी। ऐसे ही अभी हम सबके ऊपर भूत सवार है कि नहीं, कौन सा भूत सवार है, इसको मन का भूत कहते हैं, क्या कहते हैं, मन का। और हम किसकी आपूर्ति करते हैं, मन के भूत। कुछ लोग दूसरों के भूतों से तो डरते हैं, लेकिन खुद के ऊपर जो सवार मन का भूत है उनसे उनको डर नहीं लगता। और मन की इच्छा पूरी अगर कर दी जाती है तो लोगों को बहुत बढ़िया लगता है। और ये मन जैसे भूत है ना, प्योर झूठ बोलता है, ऐसे ही मन है ना, ये भी प्योर झूठ बोलवाता है कि नहीं। बड़ा भूत कौन सा है, संसार का भूत या मन का भूत। मन का भूत तो कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता, वो तो पीछे पीछे ही चलता है। ये भूत तो फिर भी आप टपक जाओगे तो छोड़ के चला जाएगा।
ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वो तो शरीर पर ही सवार होता है ना, जब आपका शरीर ही नहीं रहा तो बेचारा भूत कहाँ आएगा आपके साथ। लेकिन जो मन का भूत है ये तो सूक्ष्म शरीर पर सवार है, सूक्ष्म शरीर के रूप में पीछा नहीं छोड़, ये कितना खतरनाक। और हमारे मन में हमारी डिमांड क्या है, कार आ जाए, मन का भूत क्या मांग रहा है, बढ़िया सी कार मिल जाए। मन का भूत क्या मांग रहा है, पराठे मिल जाए, कचौड़ी मिल जाए, है कि नहीं। मन के भूत को बिल्कुल कम पानी वाले आटे में सिकी हुई नरम रोटी नहीं, एकदम कड़क कड़क रोटी फेंकनी चाहिए, ले टिक्कड़ डालने चाहिए, माथा फोड़ने की तरह वो खाए, तो फिर सोचे हे भगवान इसे कब पीछा छूटेगा, मन का भूत भाग जाएगा। और भूत की एक खासियत और है, भूत से अगर कोई डर गया तो फिर भूत उसको छोड़ते नहीं, डरने वाले लोगों पर तो भूत पहले सवार हो जाते, तो वहां उसकी चलेगी ना, जो बोलेगा वो सब काम होगा। और जो भूत से नहीं डरा, जो डर गया, अरे वहां नहीं जाना, वहां पीपल का पेड़ है, पीपल अच्छा और रात को तो बोले आंगन में भी बाहर नहीं निकलना कमरे से, क्योंकि वहां नीम का पेड़ है। ऐसे डरपोक लोगों के लिए हमने टॉयलेट बाथरूम अटैच ही बनवा दिए, उसमें भी नहीं जाते लेकिन लोग इतने डरपोक के बोले वो भी कमरे के बाहर से अटैच किया है, इसलिए वहां से भी अगर घूम के हवा घुस गई जंगले में से, अच्छा लोग डरे। ऐसे लोग कभी तो बाहर निकलेंगे, भूत भी ताक में बैठा रहता है, बोले छोड़ेंगे नहीं। इसलिए ऐसे भूतों से डरना नहीं चाहिए, उल्टा दहाड़ मारनी चाहिए भूतों के ऊपर। और फिर भूत डर के भागता है, फिर भूत कह के आप मत छू देना नहीं तो मेरे लग जाएगी, फिर भूत ऐसा करता है। इसलिए कभी भी डरना नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति करने वाले लोगों को तो वैसे भी नहीं। लेकिन मेरे को डर लगता है, मेरे को तो लगता ही डर लगता अच्छा है। अच्छी तरह से भक्ति करो, डर लगता है, क्या होता है, डरना नहीं चाहिए। भूत को डराओ, जोर जोर से कीर्तन करो, जोर जोर से हरि नाम लो, वो भूत डरता है, फिर भूत के आवाज कर रहे हैं, ऐसे करता है। देखा है मैंने भूत को, ऐसे करता है, बंद कर रही है ऐसा, नहीं मेरे को अच्छा लग रहा। इसका मतलब हरे कृष्ण महामंत्र में शक्ति है, काम करता है। इसलिए हरि नाम जब रात दिन जपेंगे ना, तो ये मन का भूत भी उतर जाएगा, जो दूसरा कोई नहीं उतार सकता। एक वैष्णव ही शुद्ध भक्त अगर हो तो बोले वो इस मन के भूत को उतार, नहीं तो कोई नहीं उतारता। आपको पता है संसार में भूतों को भी हनुमान जी उतार देते, हनुमान जी उतारते हैं। हनुमान जी कौन है, वैष्णव है, तो मन के भूत को कौन उतारेगा, वो भी वैष्णव ही उतारेगा। प्रभुपाद जी जैसे वैष्णव मन के भूतों को उतार देते, जब मन का भूत उतर जाता है तब भक्तों की सोच अलग हो जाती, और फिर उनकी कृपा का दृष्टिकोण अलग हो जाए, फिर वो क्या करते हैं, बोले ये सब चीजों को खतरनाक समझते हैं, अरे मटन, अरे राम मुर्गा, अरे रे, उनको बहुत गंदा लगेगा, बहुत घृणा आएगी। जैसे मटन मुर्गा आदि ये सब मछली आदि, फिर वो इन्हें कहेंगे मछली जलफल, जलफल नहीं कहेंगे उसको, वो इन सब चीजों से घृणा करने लगे। ऐसे ही
बाइक वगैरह, कार वगैरह, मकान दुकान वगैरह, और सोने के महल वगैरह। अरे रे रे रे, कांपेंगे भक्त लोग, डरेंगे, ये कितनी बड़ी माया है, वाह कितना खतरनाक। दुर्गा जी ने लिखा है, सुदामा महल देख डरे। बोले सुदामा जी द्वारिका के महलों को देख करके डर गए। अरे भगवान कितनी भयानक माया, द्वारिका के महलों को देख करके डरने लगे। और हम लोग झोपड़ी देख डरे। हे भगवान, इसमें कैसे रहेंगे, यहाँ तो सीमेंट झड़ रहा है, कब टायर लगेंगी, कब मुक्ति मिलेगी। भक्त लोग सोचते हैं, अरे यार ये मन रमण कर जाएगा, अगर संसार में कुछ चीजें बढ़िया बढ़िया मिल गई तो मन खुशी में झूमने लग जाएगा। अब तो मकान बन गया, अब तो यहाँ से जाना नहीं है। अरे भूत नाक रगड़ देगा, तुमसे खा पी लेगा और ऊपर से कुएं में फेंक देगा, ये भूत की खासियत होती है। इसलिए असली कृपा क्या होती है, बोले सुदामा जी ने जब देखा कि भगवान ने कुछ नहीं दिया तो अंदर से बड़े प्रसन्न हो गए। पहले तो जाते ही नहीं थे, बोले गए तो पकड़ा देंगे, कुछ ना कुछ धन संपत्ति आ जाएगी, धन संपत्ति आ जाएगी, मैं फंस जाऊंगा, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन दर्शन करने के लिए चले, देखो भगवान से भी वो ऐसा सोच रहे, भगवान दे देंगे मेरे को तो पक्का, और मैं फंस जाऊंगा। जबकि भगवान कुछ देते हैं तो वो तो उद्धार ही करती आखिर में। लेकिन बोले भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए, कैसी उत्तम भावना। भक्त क्या सोच रहा, मैं भगवान के लिए क्या करूं, इसलिए जाते नहीं थे। और जब दर्शन की बात करके भेज दिया तो चले गए, दर्शन का सुख माने के लिए। दर्शन करना भक्ति का सुख है, रोज दर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ही 4:30 बजे मंगल आरती के लिए हम जैसे तैसे उठ उठा करके पहुंच गए। रोज ही प्रयास करें सुबह जल्दी उठ करके भगवान का सबसे पहला दर्शन। दर्शन करने चले गए लेकिन भगवान ने कुछ दिया नहीं, दिया नहीं तो बड़े प्रसन्न हुए अंदर ही अंदर, और बड़े खुशी के साथ कहने लगे, आज भगवान ने मेरे ऊपर क्या किया है, कृपा करते। और जब वापस आए तो क्या देखा, भगवान देते हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई व्यक्ति सोचे, अरे भगवान तो फिर जाओ इसका मतलब हम तो संसार में फिर भूखे नंगे रह जाएंगे, नहीं, भगवान अपने भक्तों का तो वैसे ही ध्यान रखते, बिना मांगे ही ध्यान रखते। जब वो वापस गए, आदमी सोचता भवन आ गया, कृपा हो गई। पहले हम भी सोचते थे इतने बड़े आदमी कब बनेंगे, इधर फोन आ गया, इधर से उठाओ, इधर से उठाओ, फटाफट फोन पे फोन आ रहे, भाई बड़े आदमी को फोन आते हैं, सब बहुत बड़ा झंझट है, बंधन है। चाहे नंबर दिखाई ना दे, किसका आ रहा है किसका आ रहा है, आंखें चली गई फिर भी बोले नहीं ये कृपा बनी रहे संसार में, बड़ा खतरनाक मामला है ये, कृपा कहीं घाटे में चले जाए। सुदामा जी वापस आए तो देखा ऐसा चमत्कार, भगवान भला अपने भक्तों को भूखा नंगा क्यों रखेंगे, जब संसार में कुत्ते बिल्ली गधा सुअर, सुअर को देखो कितना बढ़िया बढ़िया खिलाते, तभी तो मोटा हो जाता है, कोई कमी थोड़ी रखते, ताजा ताजा खिलाते बराबर, कोई अभाव नहीं रखते भगवान। जब उसको खिला करके मोटा ताजी बना के रखा हुआ है तो क्या भगवान अपने भक्तों के लिए नहीं खिलाएंगे, सब व्यवस्था। सुदामा जी वापस आए, उनकी पत्नी बेचारी भूखी रहती थी पहले आराधना करते समय, लेकिन भगवान तब देते हैं जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है, जैसे ही उसका मन का भूत उतर गया ना फिर भगवान सब कुछ, जिससे अब वो मन के भूत के लिए काम नहीं करेगा, नहीं तो पहले मन का भूत घुस हो जाएगा, वो अपने भोगों में लगा देगा। एक बार की बात, दसम स्कंद की घटना आ रही है यहाँ, 72वां अध्याय है,
सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, वन डे एज किंग युधिष्ठर सेट इन द रॉयल असेंबली, युधिष्ठर महाराज रॉयल असेंबली में बैठ गए, बड़ी भव्य सभागृह है, सराउंडेड बाय एमिनेंट सेजेस ब्राह्मणास क्षत्रियास एंड वैश्यास, बड़े बड़े व्यापारी लोग बैठे हुए हैं, क्षत्रिय बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं, एंड ऑल्सो बाय हिज ब्रदर्स, उनके भाई लोग बैठे हुए, स्पिरिचुअल मास्टर्स, कई गुरुवर्ग बैठे हुए, नारद जी आदि बड़े बड़े गुरु लोग, फैमिली एल्डर्स, बड़े बड़े घर के बड़े मुखिया लोग बैठे हैं, ब्लड रिलेशंस, उनके सगे संबंधी बैठे हैं, इन लॉज, उनके साले वगैरह बैठे हुए, एंड फ्रेंड्स, बहुत सारे मित्र बंधु बैठे हुए हैं, ही एड्रेस्ड लॉर्ड कृष्णा एज एवरी वन लिसन, भगवान श्री कृष्ण को बोले महाराज युधिष्ठिर, और बोले सब लोग ध्यान से सुनो, भगवान कृष्ण को संबोधन करते हुए बोलने लगे, क्या बोले, ओ गोविंदा आई डिजायर टू वर्शिप योर ऑस्पिशियस ऑपुलेंट एक्सपांशंस बाय राजसी सेक्रीफाइस द किंग ऑफ वैदिक सेरेमनीज, प्लीज मेक अवर एंडेवर अ सक्सेस माय लॉर्ड, क्या कह रहे हैं, हे गोविंद, हे कृष्ण, हम आपको राजसूय यज्ञ के द्वारा आपकी पूजा करना चाहते हैं, और ये राजसूय यज्ञ आपकी पूजा करना चाहते हैं क्योंकि किंग ऑफ वैदिक सेरेमनीज है ये, राजाओं का जो वैदिक सेरेमनी, जो वेदों में आपके प्रति पूजा की विधियां बताई हैं उसमें ये क्या है, राजा है, जैसे कलयुग में भगवान की पूजा का सबसे बड़ा राजा कौन है, हरिनाम अरे संकीर्तन, संकीर्तन सबसे बड़ा, लेकिन उस समय राजा कौन थे, राजसूय यज्ञ, अभी यहां पर महाराज युधिष्ठिर कह, प्योरिफाइड पर्सन हु कॉन्स्टेंटली सर्व मेडिटेट अपॉन एंड ग्लोरीफाई योर शूज, वही व्यक्ति, कौन व्यक्ति ऐसा करेगा, बोले प्योरिफाइड पर्सन, जो शुद्ध हैं, जिनकी बुद्धि शुद्ध है, वो क्या सोचेंगे, वो कॉन्स्टेंटली सर जो आपकी रात दिन सेवा करते हैं, मेडिटेट आपका ध्यान करते हैं, एंड ग्लोरीफाई योर सोल, जो आपके चरण कमलों का गुणगान करते हैं, विच डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन ऑस्पिशियस, जो भी अवांछित है सबको आपके गुणगान से नष्ट किया जा सकता है, आर श्योर टू ऑब्टेन फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस, वो पक्की तरह से सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे माया के, ओ लोटस नेवल्ड वन, इवन इफ दे डिजायर समथिंग इन दिस वर्ल्ड, अगर उन भक्तों के अंदर, उन संसारियों के अंदर अगर कुछ भौतिक इच्छाएं भी होंगी ना, दे ऑब्टेन इट, वो भी उनको मिलेगा, वेयर एज अदर्स, दूसरी ओर जो दूसरे लोग हैं, दोज हु डू नॉट टेक शेल्टर ऑफ यू आर नेवर सेटिस्फाइड, ओ लॉर्ड, जिन्होंने आपकी शरण नहीं ली है वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब देखो क्या कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, देयरफॉर ओ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स लेट द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड सी द पावर ऑफ डिवोशनल सर्विस, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए हम आपको ये अध्याय पढ़ा रहे थे, देयरफॉर ओ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, हे भगवानों के भगवान, परम भगवान, लेट द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड सी, संसार के लोगों को देखने दो, संसारी लोगों को पता तो चले, द पावर ऑफ डिवोशनल सर्विस सरेंडर टू योर लोटस फीट, भक्ति की शक्ति क्या है, भक्ति की ताकत क्या है, प्लीज शो देम, कृपा करके उनको दिखा दो, ओ ऑलमाइटी वन, द पोजीशन ऑफ दोज गुरुज, हम कुरुवंशी है ना, वो कह रहे हैं हम कुरुवंशियों का पोजीशन, हम कुरुवंशियों की ताकत लोगों को पता चल जानी चाहिए, क्योंकि तो भक्ति की शक्ति जो है वो कहाँ दिखाई देगी, भक्तों में दिखाई देगी ना, भक्ति कौन करता है, भक्त लोग, तो महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं संसार के लोगों को जरा अपने भक्तों की ताकत तो दिखा दो, राजसूय यज्ञ मतलब वो यज्ञ व्यक्ति कर सकता है जिसको संसार में कोई चैलेंज ना करे, जिसको संसार में कोई व्यक्ति
चैलेंज ना करे उसे राशि। हाँ बोले लोगों को पता तो चलना चाहिए, द पोजिशन ऑफ दोज गुरुज एंड संजयाज हु वर्शिप यू एंड द पोजिशन ऑफ दोज हु डू नॉट, उनके बारे में भी ताकत पता चलनी, जो भगवान के भक्त नहीं है उनका भी तो पोजीशन दिखाई देना चाहिए, वो लोग हमेशा अधीन रहने चाहिए और भक्त सदा सर्वोपरि रहने चाहिए। इसलिए महाराज युधिष्ठिर ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि हमें हमारे बारे में पता चल जाना चाहिए, वो अपनी घोषणा कर रहे हैं कि हम हैं कौन, भक्त हैं भाई। और लोगों को कैसे पता चलेगा, बोले हम जब हम राजस्व यज्ञ करेंगे तो संसार को पता चल जाएगा। और राजस्व यज्ञ क्यों करना चाहते, भक्त का मतलब ऐसा नहीं हे कृष्ण लोगों को पता चल जाना चाहिए कि आपके भक्त कैसे सोने के बेड पर सोते हैं, आपके भक्त कैसे किस प्रकार से हवाई जहाजों में यात्रा करते हैं, आपके भक्त किस प्रकार से संसार में ऑर्डर चलाते हैं, ऐसी धारणा नहीं बता रहे हो कि आपके भक्त कैसे बढ़िया बढ़िया खाते हैं, आपके भक्त किस प्रकार से अच्छी भक्ति करते हैं, अर्थात हम क्या करना चाहते हैं, राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। संसार के लोगों को पता तो चले कि हमारा सबसे बड़ा यज्ञ करने की सामर्थ्य है, उस यज्ञ में एक तीर से दो शिकार होंगे, सबसे पहला तो आपकी पूजा होगी और दूसरा आपके भक्तों की शक्ति का प्रदर्शन हो जाएगा कि आपके भक्त ऐसे हैं कि सारे संसार को अपने अधीन कर लेते हैं, सारे संसार को अपने अधीन कर लेते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर की इस बात को सुना, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने क्या हुआ, विद इन योर माइंड देयर कैन बी नो सच डिफरेंशिएशन एज दिस वन इज माइन एंड दैट इज अनदर्स, बिकॉज यू आर द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ द सोल ऑफ ऑल बींग्स ऑलवेज इक्विपोइज्ड एंड एंजॉइंग ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ जस्ट लाइक द हेवनली डिजायर ट्री यू ब्लेस ऑल हु प्रॉपरली वर्शिप यू ग्रांटिंग देयर डिजायर्ड फ्रूट्स इन प्रोपोर्शन टू द सर्विस दे रेंडर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप हालांकि सबके प्रति समान है और जो आपकी आराधना करता है आपसे जो कुछ मांगता भी है आप उसकी भक्ति के सापेक्ष में वो सारी चीजें देते भी हैं, जिसकी जैसी भक्ति है उसके अनुसार आप उनको देते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इन दिस, बोले इसमें कुछ भी गलत नहीं है। द सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉड हेड से भगवान बोले योर डिसीजन इज परफेक्ट, आपका निर्णय बड़ा पूर्ण है ओ किंग एंड दस योर नोबल फेम विल स्प्रेड इन टू ऑल द वर्ल्ड्स ओ टेम ओ टॉर्मेंटर ऑफ योर एनिमीज, अपने शत्रुओं को कपाने वाले हे महाराज युधिष्ठिर आपका यश सब जगह फैलना चाहिए। भगवान क्या सोच रहे हैं, आपका यश फैलना चाहिए और उनका सोचना कैसा है, आपकी भक्ति का यश फैलना चाहिए आपके भक्तों के माध्यम से, पता तो चले। इंडीड माई लॉर्ड फॉर द ग्रेट सेजेस द फोर फादर्स एंड द डेमी गॉड्स फॉर अवर वेल विशिंग फ्रेंड्स एंड इंडीड फॉर ऑल लिविंग बींग्स द परफॉर्मेंस ऑफ दिस किंग ऑफ वैदिक सेक्रीफाइसेस डिजायरेबल, कह रहे हैं हालांकि हमारी ऐसी इच्छा है सबके लिए, सबके कल्याण के लिए ये बड़ा कल्याणकारी यज्ञ है, इस यज्ञ का वर्णन करेंगे। लेकिन थोड़े से वो टेंशन में आ जाते हैं, जरासंध कैसे मरेगा, वो तो यज्ञ होने नहीं देगा, क्योंकि उनको ये भी पता है जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया था। इतने बार 17 बार, और भगवान कृष्ण ही मार पाए उसको, मरा नहीं तो मार्केट में तो यही फैलेगा कि मार नहीं पाए। कोई व्यक्ति को ये थोड़ी पता है कि दाऊ जी को रोक दिया था, अरे दाऊ भैया रोक 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 जाओ रोक जाओ मत मारना इसको, अरे ढूंढ ढूंढ के लाएगा बार बार इसके द्वारा, जितने भी हमारा काम आसान हो जाएगा, हमें दुष्टों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये बार बार आएगा लेकर के उन सबको हम सफाई सफाई कर दिएगा।
रुक जाओ, इसको छोड़ दो, छोड़ दिया। लेकिन मार्केट में नाम तो खराब हुई है, भगवान को अपने नाम की चिंता नहीं होती। वो मैदान छोड़ के भाग गए, जब जरासन ने देखा मैं इतने बार पराजित हो गया, काल यवन के साथ आया, शाल्व के साथ आया, एक साथ आक्रमण कर लिया, जो आज के श्लोक में बोला भगवान ने किसी को भी नहीं मारा। और उस समय भगवान मैदान छोड़ के भाग गए। देखो भगवान भक्तों के लिए क्या करते हैं, भगवान ये नहीं सोच रहे अरे लोग क्या सोचेंगे, बोले लोगों की कोई चिंता नहीं, मेरे भक्तों का यश पहले है, मैं इन दुष्टों को अपने भक्तों के हाथों से मरवाऊंगा और दिखाऊंगा, देखो मैं जिन दुष्टों के आतंक से भयभीत होकर के मैं भाग गया था, बोले मेरे भक्तों ने जाकर के खेल खेल मार दिया। एक भक्त ने तो वो खाली देख के ही उड़ा दिया। मुचुकुंद ने केवल क्या किया, दृष्टिपात किया, देखो भक्तों की शक्ति कैसी, खाली देखा, भक्तों की ताकत होती है बहुत खतरनाक। कई बार हमारे मन में कुछ उल्टा सीधा चलता ना, और भक्त ऐसे देख ले बस, अब हमें पता चल जाता है उड़ जाएंगे अब हम। भक्तों अच्छा की दृष्टि में बहुत ताकत। ठीक, बस खत्म कर दे 2 मिनट में, देखने की ऐसी शक्ति है। इधर भीमसेन बोले कुश्ती कुश्ती में मार दिया, इधर चीर दिया उसे, वो ऐसा शक्तिशाली था, चीरने पर भी जुड़ जाता था, क्योंकि ऐसे ही उन्होंने ऐसे ही फेंक दिया। बोले एक को इधर फेंको, एक को इधर, भगवान बोले ऐसे फेंको, भगवान ने फेंकवाया, लेकिन नाम किसका करवा दिया, शालू को भगवान ने अर्जुन से मिलवा। ऐसे भगवान लीला करते, अपने भक्तों की महिमा बता देते। इसलिए हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम क्या बने, भक्त। और सच्चे भक्तों की पहचान हो रही, भक्त कैसा सोचते हैं, बोले हम भगवान की अच्छी से अच्छी भक्ति कैसे करें, ये नहीं सोचते मेरे ऊपर पैसा कब आएगा तब कृपा होगी, मेरे पास गाड़ी कब आएगी तब कृपा होगी। अरे इसमें तो कुत्ते भी प्राप्त करके घूम रहे हैं, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या बन पाए, कुत्ते ही बन पाए, कौन सी बड़ी बात है। इसलिए सच्चे भक्त क्या सोचते हैं, मेरे पास मोबाइल कब आएगा, एंड्रॉइड मोबाइल कब आएगा, यहाँ आश्रम में तो मोबाइल कोई हाथ में पकड़ाता ही नहीं, घर में जाने को मिल गया अब रात दिन मोबाइल के साथ घूमेंगे, फिर मोबाइल छोड़ने का नाम नहीं लेंगे, कृपा है क्या, ये नारकीय गति है, नरक में जाने वाला ऐसा कृपा। इसलिए असली कृपा भगवान की भक्ति कैसे करें, और इस मन रूपी भूत से निजात मिल जाए बस। इसलिए मन कुछ भी मांगे बस इसको रोकते रहो, रोकते रहो, रोकते, और भक्त तो कुछ भी करने के लिए कहें बस करते रहो, करते करते रहो, करते रहो, बस यही करना पड़ेगा। भक्त कह रहे हैं भैया खिचड़ी खाओ, तो वहां खिचड़ी खाएंगे, बोले नहीं दाल चावल चाहिए मेरे को, मिठाई चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं कुछ नहीं चाहिए। थोड़े समय के बाद कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे तो फिर अपनी इच्छा पूरी कर पाएंगे क्या संसार में, वैसे भी तो इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। भगवान ने कृपा करके हमें धाम में अगर जन्म दिया है, धाम में अगर वास दिया है, बोले धाम में भी अगर कोई ऐसी भक्ति नहीं करेगा तो फिर उसको धाम में भी भूत परेशान करेंगे, धाम में भी व्यक्ति का उद्धार नहीं होता, फिर वो धाम का भूत बनता है, कहाँ का भूत बनता है, धाम उनका का भूत। एक व्यक्ति कह रहा प्रभु धाम में रहते हुए भी भूत कैसे आ सकते हैं, बोले वो तो धाम के भूत होंगे, फिर बाहर का भूत नहीं रहेगा, लेकिन भूत से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इस मन रूपी भूत सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसको हमने डराना सीखना है, मन से डरना नहीं है, मन की इच्छा पूर्ति नहीं करना है, मन को दंड देना सीखना, धीरे धीरे ऐसा होगा, भक्ति करने से अपने आप होगा,
संसार में भी भूतों को उतारने के लिए कहते हैं आपको 5 सोमवार आना पड़ेगा या 5 गुरुवार आना पड़ेगा। ऐसे ही मन का भूत उतारने के लिए पूरा जीवन भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाकर के मन का भूत उतरेगा और उसी से लोग संतुष्ट होंगे। पगार कितनी भी बढ़ती चली जाए, कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। किसी भी चीज से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि भूत सवार है ना। व्यक्ति खुद कहता है ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जबकि मैं ही बोल रहा हूं लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूं। भूत की एक ही शरीर में अलग अलग आइडेंटिटी आ जाती है। हम सब भूत के अंतर्गत हैं। अष्टवा धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए।